रखें जारी, तो इसमें आप आगे जो है आपके यूट्यूब चैनल की हो सकती ग्रोथ वरना नहीं होगी। अगर आप वेबसाइटों के चक्कर में जाएंगे या वेबसाइटों के चक्कर में जाके अपना यूट्यूब लिंक डालेंगे उधर उधर, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अपना टाइम वेस्ट करोगे, जितना टाइम आप लोग वहाँ जाके वेस्ट करते हो इतना टाइम अगर आपने चैनल को दो तो इंशाल्लाह आपका चैनल ऑटोमेटिक जो है आगे ग्रो करता जाएगा। तो अपने चैनल को ग्रो करवाने के लिए उस पर करते जाए मेहनत। मेहनत जो है वो होती है इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, तो उस इसलिए मैं मेहनत के लिए सबसे पहले आपको करनी है सबसे अच्छे में अच्छा कंटेंट ढूंढना है। कंटेंट ढूंढने के बाद फिर आपने जो कंटेंट को क्रिएट करने के बाद आपने उसके ऊपर करनी है अच्छे से अच्छी एडिटिंग, क्योंकि आजकल लोग देखते हैं एडिटिंग, तो एडिटिंग सबसे अच्छी करनी है। और थंबनेल भी आपने आपने देना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना अपना, तो जितना जितना बेस्ट ऑफ बेस्ट आप और जो मतलब कि वेबसाइटें ढूंढने में दे रहे हैं और लोगों की यानी कि फालतू फालतू जो ट्रिक्स हैं वो देखने में दे रहे हैं, तो ये ट्रिक्स ना दें, तो इससे अच्छा है अपने चैनल पे थोड़ा करें मेहनत। मेहनत में ही आपका चैनल आगे ग्रो करेगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे कर चुका हूँ मेहनत, मतलब कि ये फजूल की फेक वेबसाइट्स और फजूल में जो ये ऐप्स वगैरह जो है सारे इंस्टॉल किए, सारी जगहों पर ट्राई किया, पर मेरा यूट्यूब चैनल इस वजह से ना आगे बढ़ा ना वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ। वॉच टाइम होता है तो वो यूट्यूब उसको काउंट नहीं करता, तो वॉच टाइम मतलब कि जैसा हुआ जैसा ना हुआ, तो उस लिहाज से मैंने वो जो जिन जिन वीडियोस पे मैंने वो ऐप्स यूज़ किए थे वो सारी वीडियोस मैंने डिलीट कर दी अपनी, क्योंकि वो वीडियोस भी किसी काम की नहीं रही थी, क्योंकि लोग उसमें लोग ना करते वॉच सही से ना कुछ, तो उसमें वॉच टाइम नहीं मिलता इतना, उसमें लोग चार सेकेंड देखी, पाँच सेकेंड देखी, तो इस लिहाज से यूट्यूब की ऑडियंस का रेट जो है वो गिर जाता है। तो ऑडियंस का जो वॉच रेट जब गिरता है तो उसके बाद आपकी वीडियो किसी काम की नहीं बचती, तो इसलिए आप करें अपनी मेहनत। मेहनत में ही सब कुछ है। तो अगर आपको यकीन हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे ऐप्स में यूज़ कर चुका हूँ, जैसे कि यू चैनल ये भी किसी काम का नहीं है, वॉच टाइम के लिए भी अच्छा नहीं है और ये किसी काम वगैरह का नहीं है, ठीक है। चैनल के बाद उसके बाद अर्न क्रेडिट्स एंड उसके बाद इसमें अर्न कॉइन्स करने के बाद आप कर सकते हैं अपना यूट्यूब को मतलब कि सब्सक्राइबर ले सकते हैं, पर इसमें सब्सक्राइबर लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये भी फेक है, बेकार है, कुछ ना किसी काम की नहीं है। तो इसमें यह है कि आप अगर सब्सक्राइबर लेते हैं तो सब्सक्राइबर लेने के बाद आपके सब्सक्राइबर कुछ ही मिनटों में वापस नीचे जाते हैं, मतलब कि ख़त्म, अनसब, मतलब कि डिक्रीज। इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, सब्सक्राइबर भी जाएंगे और मेन बात आपकी MBs भी वेस्ट होंगे और आपके फ़ोन की बैटरी भी और आपका अपना माइंडसेट भी होगा ख़राब, तो इसमें आपका मोटिवेशन सिस्टम जो है सारा हिल जाएगा, तो आपका इसमें दिल टूटने का चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद यू व्यू ऐप बिल्कुल बेकार है, इसमें कोई व्यू नहीं मिलता, तो इसमें व्यू लेना ऐसे जैसे अपनी वीडियो को अपने हाथ से एडिट करना, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब बूस्ट, ये बूस्ट भी किसी काम का नहीं है, तो ख्याल रखें तो इन ऐप्स वगैरह के चक्कर में न पड़ें, जितना ये ऐप्स के चक्कर में पड़ रहे हैं इतना टाइम अपनी वीडियोज़ पे दें, वीडियो बनाएं, वीडियो को अच्छे से अच्छा करें एडिट करने के बाद अपनी वीडियो का जो लिंक जो होता है ज़्यादातर वो लिंक कर लें कॉपी, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टेटस पे करें पोस्ट करने के बाद फेसबुक पे लोग जो होते हैं उनसे कहें व्यू देने के लिए, अगर आपके अच्छे दोस्त वगैरह हैं व्हाट्सएप पे तो उनको दें, तो उनसे व्यू लें। और बकाया ये जो है यूटी प्रमोटर, ये भी किसी काम का नहीं है, इसमें भी बिल्कुल फजूल है, फेक व्यूज़ हैं, तो ये व्यूज़ मिलते नहीं है, सिर्फ काउंटिंग आती है व्यूज़ की, सिर्फ काउंट किए जाते हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ मतलब कि वॉच टाइम नहीं आता इसमें, सिर्फ काउंट होता है। उसके बाद व्यू बूस्ट, ये भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये है ऊपर है बूस्ट टोन बूस्ट है, ये भी किसी काम का नहीं है। माई यू चैनल, ये भी किसी काम का नहीं है। गेट सब्सक्राइबर, ये भी किसी काम का नहीं है। ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके। तो ये है, अब ये आ गया मेरा गूगल क्रोम में ऐसे ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ डायरेक्टली। तो इसमें मैं कर चुका हूँ, पर किसी ना काम का है ये, तो मैं इसमें ले चुका हूँ। तो अब ये जो है इसमें मैंने अभी व्यू प्रमोशन जो है इस पर आ गया, व्यू प्रमोशन जो ये है, ये हमारा व्यू प्रमोशन, इसमें मैंने काफ़ी प्रमोशन लिए हैं पर वो किसी काम के नहीं है। लेने के बाद वो खुद ना खुद मतलब कि ऑटोमेटिक जो है खुद ही मतलब कि अनसब भी हो रहे हैं, सब भी हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। अब मैंने लिए इधर 280 सब्सक्राइबर, पर ये किसी काम के नहीं है, 97 जो है सब्सक्राइबर जो है हो चुके डिलीवर, पर ये मुझे इसमें से मिले टोटल 3, बकाया सब कर चुके हैं अनसब, तो ये 97 सब्सक्राइबर किसी काउंट में नहीं आए। और ये मैंने की थी मेहनत इस पर, मतलब कि यहाँ पे आपने पहले सब्सक्राइबर लेना है, उसके बाद 100 कॉइन्स का डालना है बूस्ट, और एक सब्सक्राइब करने पे आपको मिलते हैं दो क्रेडिट मतलब कि 2 क्रेडिट्स मिलते हैं, 2 क्रेडिट्स भी आपके वेस्ट तकरीबन मेरे इसमें वेस्ट हुए हैं, 48 आवर्स वेस्ट हुए हैं इसमें काम करने से, पर इस वेबसाइट का भी फ़ायदा नहीं है, ये वेबसाइट भी फेक है और
बेकार है। पर इसमें आपको एक चीज़ का फायदा है, इसमें मतलब कि जो टिकटॉकर वगैरह जिनको व्यू वगैरह चाहिए तो व्यू इसमें फ्री के मिलते हैं, तो व्यू के लिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं। अगर व्यू के लिए चाहिए, अगर टिकटॉक के व्यू के लिए चाहिए तो उसके लिए ये वेबसाइट अच्छी है, अगर यूट्यूब के लिए ये वेबसाइट बेकार है। और मैं इसको आपको नहीं कहूँगा कि ये यूज़ करो, बिल्कुल घटिया में घटिया वेबसाइट है। तो ख्याल रखिएगा, इस वेबसाइट को यूज़ ना कीजिए कभी। अब इसमें जितना कुछ ये जितना कुछ दिया बनाना, इतना कुछ है नहीं, फेक है। और इतनी मेहनत ना करना, अपने अपना जो इस पे टाइम वेस्ट करोगे, इस टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है अपने यूट्यूब की एडिटिंग पे टाइम वेस्ट करें। मैंने एडिटिंग पे टाइम नहीं दिया, यूट्यूब पे सही से टाइम नहीं दिया, वीडियोस पे टाइम नहीं दिया, मैंने सिर्फ शॉर्टकट पे टाइम दिया। तो शॉर्टकट जो है, हमेशा आपको पता है, शॉर्टकट और शेक चिली दोनों की मिसाल एक ही होती है। जैसे शेक चिली ने सारे अंडे खाने चाहे तब भी मर गया, और हमने शॉर्टकट में वॉच टाइम और सब्सक्राइब लेने चाहे तब भी हम हो गए फेल। तो इसलिए शॉर्टकट से रहें दूर, अपनी करें मेहनत, मेहनत में अपना मेहनत में ही अजमत। तो मेहनत से ही अपने चैनल को करें ग्रोथ। तो ग्रोथ करने से अच्छा है, मतलब कि ग्रोथ करेंगे तभी आगे जाएंगे। तो इसलिए जाए, और ये मेरी फर्स्ट फर्स्ट भी वीडियो है जिसमें मेरी अपनी वॉइस है, तो पहली बार कर रहा हूँ मेहनत। तो इतना कुछ करने के बाद, पूरे तकरीबन जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से ये सब कुछ, ये जो